दक्षिणा नाम के स्वाध्याय में अपन पंच स्तोत्र के द्वितीय पुष्प कल्याण मंदिर स्तोत्र को ले रहे हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र नाम कैसे पड़ा? कल्याण मंदिर शब्द से प्रारंभ होने के कारण इसको कल्याण मंदिर स्तोत्र कहते हैं। वैसे इसे श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र भी कहा जाता है। इसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है, ये कैसे ज्ञात होता है? इस स्तोत्र के दूसरे काव्य में तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूम केतोस, कमठ के मान भंजन के लिए जो अग्नि के समान थे ऐसे तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन मैं करूँगा। इससे और इसी स्तोत्र के 31वें, 32वें, 33वें काव्य में जहाँ पर धूल के द्वारा, पानी के द्वारा और प्रेतों के समूह के द्वारा उपसर का वर्णन आता है, इससे भी सिद्ध होता है कि ये पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। तिलोय पंडति में 7वें, 23वें, 24वें भगवान के ऊपर उपसर का वर्णन है। 7वें भगवान का तो कोई आख्यान मिलता नहीं है और 24वें भगवान का भी इस प्रकार के उपसर का वर्णन नहीं है कि जिसमें धूल, पानी और प्रेतों के समूह के द्वारा उपसर किया हो, इसलिए ये पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है ऐसा सिद्ध होता है। इस स्तोत्र के रचयिता कौन है? तार्किक चक्र चूड़ामणि श्री कुमुद चंद्राचार्य, जिनका अपर नाम सिद्धसेन है, इसके रचयिता हैं। ये 6वीं शताब्दी की रचना है और भक्तामर के पूर्व की ये रचना मानी जाती है। इस स्तोत्र का कोई अतिशय रचना से जुड़ा है क्या? एक पंडित वृंदावन दास जी हुए हैं जिन्होंने मंगलाष्टक हिंदी में रचा है, उसमें 8 महान आचार्यों के अतिशयों का वर्णन है, उसमें 7वां काव्य आता है। श्रीमत कुमुद चंद्र मुनिवर सो वाद पर्यो जह सभा मंझा, तब ही श्री कल्याण धाम थुति श्री गुरु रचना रची अपा, तब प्रतिमा श्री पार्श्वनाथ की प्रगट भई त्रिभुवन जयकार, सो गुरुदेव बसोर मेरे विघ्न हरण मंगल करता। इसके संबंध से यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि इन्होंने उज्जैनी के महाकाल में कल्याण मंदिर द्वारा पार्श्वनाथ भगवान का बिंब प्रकट किया था और विक्रमादित्य राजा को संबोधित भी किया था। मंगलाचरण में किसे प्रणाम किया गया है? इसमें भी 3 गुणों से विशिष्ट जिनेश्वर को प्रणाम किया है, जिसमें वीतरागता अवध्य भेदी से प्रकट होती है, सर्वज्ञता कल्याण मंदिर से जो 5ों कल्याणक के स्वामी हैं, और हितोपदेशिता संसार सागर निमज्जद अशेष जंतु पोताय मानव, इसके माध्यम से हितोपदेशता आती है। तो इन 3 गुणों से विशिष्ट भगवान के लिए नमस्कार किया है। भक्तामर की तरह इसमें भी पहला दूसरा काव्य युग में है, ऐसा क्यों? जब 2 काव्यों में पूर्ण बात होती है तो वह युग्म कहलाता है, जब 3 होते हैं तो उसको विशेषक कहा जाता है, 4 होते हैं तो कलाप कहलाता है, 5-6 आदि हो तो उसको कुलक कहते हैं। इसमें पहले काव्य में 3 गुणों से विशिष्ट जो भगवान हैं उनको प्रणाम करके बस इतना यहाँ पर सेंटेंस रुक जाता है, यानी पूर्णता नहीं है अभी, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस अभी कर रहे हैं कुछ करके, तो ये पूर्णता नहीं है। इसलिए फिर दूसरे काव्य में मैं इन भगवान का स्तवन रचूंगा, ऐसा संकल्प का प्रतीक दूसरा काव्य है। इस प्रकार से दोनों को मिलकर के जहाँ पर अर्थ निकलता है वो युग्म कहलाता है। तो भक्तामर की तरह इसमें भी ये पहले 2 काव्य युग्म हैं। इसमें कौन कौन से छंद हैं? इसमें 44 काव्य हैं, तो 43 काव्यों में तो भक्तामर के समान
बसंत तिलका, जिसका अपर नाम सिंहोन्नता उद्धर्षणी या मधुमाधवी छंद है, जिसके एक चरण में 14 अक्षर होते हैं, 7 गुरु और 7 लघु, और 44वां जो काव्य है वो आर्या छंद है। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उसी प्रकार, या प्राकृत गाथाओं में जिस प्रकार से पाठ पढ़ा जाता है, वैसे 44वें छंद में आर्या छंद है। इसके दूसरे काव्य में सुर गुरु शब्द आता है, उसका अर्थ क्या है? काव्य ख्याति में सुर गुरु यानी बृहस्पति को कहा जाता है। वे सामानिक जाति के देव होते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में सामानी का पिता गुरु उपाध्याय तुल्या ऐसा कहा है। तो ये देवों के भी गुरु सामानिक जाति के देव होते हैं। जब मल्लीनाथ भगवान को वैराग्य हुआ और उस समय में उनकी माता रुदन करती हैं, तो सामानिक जाति के देव आकर के उनकी माता को संबोधित करते हैं, तो उस प्रकार से उनके रुदन का वहाँ पर रोकना होता है। तो ये सामानिक जाति के देव पिता गुरु उपाध्याय तुल्य होते हैं, इनको यहाँ पर सुर गुरु कहा गया है। इस काव्य में आचार्य महाराज ने अपनी लघुता कैसे प्रकट की है? इसमें आचार्य महाराज ने एक उदाहरण देकर कि जैसे उल्लू का बच्चा ढीठ होकर के भी जैसे दिन में सूर्य के स्वरूप के बारे में दीवान होने से कह नहीं सकता, वैसा ही मैं सामान्य से भी आपके स्वरूप का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकूंगा। यानी इतनी लघुता के साथ में उन्होंने इस काव्य को प्रारंभ किया है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि भगवान आपके गुणों को गिनने में समर्थ किस तरह नहीं हो सकते? तो उसमें आचार्य महाराज ने कहा है कि जैसे जब प्रलय काल के समय में वायु चलती है और उसके कारण में समुद्र का पानी निकल जाता है, तो समुद्र का तल प्रकट हो जाता है और वहाँ पर रत्नों की राशि को जैसे कोई गिनने में समर्थ नहीं होता, ऐसे ही मोह रहित होकर के भी आपका अनुभव करता हुआ छद्मस्त आपके गुणों को कैसे गिन सकता है? तो इसके माध्यम से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय संख्यात तक होता है, और अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान असंख्यात को भी अपना विषय बना लेते हैं, लेकिन अनंत को अनंत ज्ञानी ही जान सकते हैं, छद्मस्त नहीं। तो इस प्रकार से कि जिस प्रकार से समुद्र का तल प्रकट होने पर रत्नों को गिनना संभव नहीं है, वैसे ही आपके गुणों को गिनने में छद्मस्त समर्थ नहीं होता। तो वहाँ पर समुद्र का तल कैसे प्रकट हो जाता है, उदाहरण के माध्यम से यदि अपन देखें, जो चाय पीते हैं प्लेट में रख करके चाय पीते हैं, जब चाय को फूंक मारते हैं तो वो वहाँ पर चाय हट जाती है और नीचे तली दिखने लगती है, ऐसे ही जब तेज वायु चलती है तो उस समय समुद्र का तल प्रकट हो जाता है। फिर जड़ बुद्धि कैसे स्तुति कर सकता है, किस उदाहरण के माध्यम से आचार्य महाराज ने बतलाया है? तो उसमें जैसे बालक अपनी बुद्धि के अनुसार अपने दोनों हाथों को फैलाकर समुद्र कितना बड़ा है क्या नहीं बताता, वैसे ही मैं भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूँ। आपका स्तवन तो दूर आपका नाम भी रक्षण करता है, कैसे? इसमें जैसे जेठ की गर्मी में जब लू से पीड़ित राहगीर जो तीव्र घाम से भी जो सताया हुआ है, उसके लिए तालाब तो भले ही कितनी दूर रहे लेकिन वहाँ से आने वाली ठंडी ठंडी हवा भी उसको सुख पहुँचाती है, उसी प्रकार से भगवान आपका स्तवन तो दूर आपका नाम भी रक्षण करता है। एक ब्रह्मचार्य व्रत लिया जिस व्यक्ति ने, उसने बताया कि एक बार पानी में सुबह सुबह करंट लग गया और वो उस समय में उसको और कुछ याद नहीं आए, आचार्यशी का नाम कि आचार्यशी रक्षण करो, वो कई मिनट तक वहीं पड़ा रहा, उसके बाद में भी उसका रक्षण हुआ। तो ये केवल नाम भी भगवान का रक्षण करता है, गुरु का रक्षण करता है, इसको भी अपने उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। भगवान आपकी स्तुति से कर्म बंधन कैसे ढीले पड़ जाते हैं? इसमें जब चंदन के वन में जब मयूर प्रवेश करता है तो उस समय में जो सर्प कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, चंदन से लिपटे हुए हैं, जैसे वो शीघ्र ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही आपको जब कोई हृदय में धारण करता है, आपके हृदय में मौजूद होते हुए जीवों के भी सघन कर्म ढीले हो जाते हैं। अगले प्रश्न में कि भगवान आप भव समुद्र से कैसे पार कर देते हैं? इस काव्य में पहले लगता है
की स्तुति कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्याज निंदा अलंकार या ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं, तो उस समय में कि आप तारने वाले कैसे हो सकते हैं, बल्कि संसार समुद्र से पार होते हुए जीव ही आपको अपने हृदय में रख करके आपको पार करा देते हैं। फिर बाद में उदाहरण के माध्यम से जो कुछ कहा है उसको वहाँ पर पलट करके कहते हैं कि ठीक ही है कि जो मशक पानी में तैरती है उसमें निश्चय ही अंदर भरी हुई वायु ही उसके लिए प्रभावकारी होती है, उसके प्रभाव से ही वो तैरती है। उसी प्रकार से भगवान, हम आपके नाम को नहीं तैराते हैं, आपका नाम ही हमको इस संसार समुद्र से पार कराता है। 13वें काव्य में कि आपने क्रोध को जब सबसे पहले नष्ट कर दिया, फिर बाकी सारे कर्मों को फिर आपने कैसे नष्ट किया? तो लोक में ऐसा देखा जाता है कि क्रोधी मनुष्य ही शत्रुओं को जीतता है, पर आपने क्रोध को तो 9वें गुणस्थान में ही जीत लिया, फिर क्रोध के अभाव में 14वें गुणस्थान तक कर्म रूपी शत्रुओं को कैसे जीता? आचार्य इस लोक विरुद्ध बात पर पहले आश्चर्य प्रकट करते हैं, पर बाद में जब उन्हें ख्याल आता है कि ठंडा जो तुसार होता है वो बड़े बड़े वनों को क्षण भर में क्या नहीं जला देता, अर्थात क्षमा से भी शत्रुओं को जीता जा सकता है, जैसे गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के बल पर अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की थी। सोहम सोहम, जैसे आप हो वैसा ही मेरा स्वभाव है, इस प्रकार से योगी क्यों जपते हैं? इसके बारे में कुमुदचंद्र महाराज कहते हैं कि जैसे ये पानी अमृत है अमृत है, इस प्रकार चिंतन धारणा भावना के माध्यम से क्या उस पानी में विष को दूर करने की क्षमता उत्पन्न नहीं हो जाती, यानी अवश्य हो जाती है। उसी प्रकार से जो भगवान को अपने आप को भगवान से अभिन्न अनुभव करता है और वह प्रभाव के माध्यम से उनके समान शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। फिर अगले प्रश्न में कि जिसे पीलिया होता है उसे सब कुछ पीला पीला, या कांच कामल रोग वाले को सफ़ेद संग भी विभिन्न रंगों का दिखाई देता है, या जैसे रंगीन चश्मा लगाने पर भी जो पदार्थ रंगीन नहीं है वो रंगीन दिखाई देता है, इसके माध्यम से आचार्य महाराज क्या कहना चाहते हैं? जिसके मन में राग बसा हुआ है वह वीतरागी को भी देख करके हरिहर आदि रूप में ग्रहण कर लेता है। एक इंग्लिश की एक प्रोवर्ब भी है, वी सी द थिंग्स नॉट द वे दे आर बट द वे वी आर, हम वस्तुओं को वैसे नहीं देखते जैसी वस्तुएं होती हैं, हम वस्तुओं को वैसे देखते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। तो यहाँ पर कि अपने मन के भावों के अनुसार ही हम बाहर की पदार्थों को ग्रहण करते हैं, वीतराग प्रभु को भी जिन लोगों ने रागी देशों ने देखा उन्होंने उनको विभिन्न रूप में स्वीकार कर लिया। इसको एक उदाहरण के माध्यम से, एक जगह एक कठफोड़वा किंगफिशर नाम का जो पक्षी होता है वो अपनी चोंच के माध्यम से लकड़ी में आवाज़ करता है, तो ठक 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 ऐसी आवाज़ आती है, उस आवाज़ को सुनकर के चार लोग अपने अपने मंतव्य से क्या अर्थ निकालते हैं। एक व्यक्ति जब उस आवाज़ को सुनता है तो ठक 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 वो कहता है यहाँ पर ये नाम ले रहा है कि राम सीता दशरथ। दूसरा जो है अन्य धर्मावलंबी रहता है कि नहीं ये नहीं कह रहा है, ये यहाँ पर कह रहा है ठक 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 खुदा मोहम्मद हजरत। तीसरा जो पहलवान रहता है वो कहता है तुम लोग तो भगवान ही याद आते रहते हैं, ये तुम लोग की बात नहीं हमारी बात कह रहा है, तो वहाँ पर वो कहता है ठक 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 दंड बैठक कसरत। फिर वहीं पर एक ठेला वाला भी खड़ा हुआ था, कहने लगे तुम सब लोगों को जो है अपनी अपनी सूझ रही है, तुम्हें मालूम नहीं है ये जो किंगफिशर है कठफोड़वा है ये हमारी दुकान का प्रचार कर रहा है। वो ठेला वाला कहता है कि ये बोल रहा है ठक 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 धनिया मिर्ची अदरक। तो ऐसी सबके मन में अपनी अपनी बातें रहती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा है कि वीतराग प्रभु को भी देख करके जिनके मन में राग था उन्होंने भी उनको हरिहर आदि रूप में ग्रहण कर लिया। चवर कैसे ढुराना चाहिए, कल्याण मंदिर स्तोत्र में इसके बारे में क्या कहा है? चवर भगवान की ओर उनके चरणों की ओर नीचे ले जा करके बाद में ऊपर की ओर उठाना चाहिए।
कई बार होता है लोग जब चवर लेकर के नृत्य आदि करने लेते हैं तो भूल जाते हैं, घुमाने भी लगते हैं, लेकिन चवर कैसे घुराना चाहिए। कुमुद चंद्राचार्य महाराज ने कहा है कि भगवान के चरणों में नीचे ले जा करके और फिर ऊपर ले जाना चाहिए। इसलिए मानो ऐसा कह रहे हो कि जो इन भगवान के चरणों में समर्पित नतमस्तक होगा वह हमारे समान ही ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगा, अर्थात स्वर्ग और मोक्ष गति को प्राप्त करेगा। इसके माध्यम से यदि अपनी जो पद्धति हो उसमें अपन परिवर्तन करके आचार्य महाराज ने जो राह दिखाई है उस पर अपन चल सकते हैं। सिंहासन प्रातिहार में कैसी उपमा दी है? सिंहासन प्रातिहार में कल्याण मंदिर स्तोत्र में कि जैसे स्वर्णिम मेरु पर जो गर्जना करते हुए काले बादलों को देखकर कि मयूर को जैसा आनंद होता है, उसी तरह दिव्य ध्वनि करते हुए स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान श्याम वर्णीय जो पार्श्वनाथ भगवान हैं उनके दर्शन करके भव्य जीवों को अत्यंत आनंद होता है। इस प्रकार से उनका मन भी मयूर के समान वहां पर नर्तन करने लगता है। अगले प्रश्न में कि भगवान आपकी वाणी अमृत कैसे है? लोक में ये प्रचलित है कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला, उसका पान करने से देव जो है अमर कहलाने लगे, वो अजर अमर हो गए। वैसे ही प्रभु आपकी वाणी भी आपके गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न हुई है और उसका जो सेवन करते हैं वो लोक में परम सुखी होते हुए अजर अमर पद को भी प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से दिव्य ध्वनि प्रातिहार का वर्णन इस काव्य में भगवान की वाणी को अमृत बता रहा है। देवदुंद भी क्या कह रही है? तो इसमें देवदुंदी प्रातिहार का वर्णन करते हुए कल्याण मंदिर में कहा है कि रे प्राणियों, अपने प्रमाद को छोड़कर के जो मोक्षपुरी जाने को अग्रेसर हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की सब प्रमाद को छोड़कर के आराधना कर लो यदि मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो। तो इसके माध्यम से कि जब भी कोई धार्मिक कार्य में यदि कोई आलस करता है तो वहाँ पर वो नियम से 15 प्रकार के प्रमाद में कहीं ना कहीं फंसा होगा, या तो अपने इंद्रियों के विषयों में कहीं ना कहीं लगा होगा, या किसी कषाय के वशीभूत होगा, या फालतू चर्चाओं में लगा होगा, या स्नेह के बंधन में फंसा होगा, और नहीं तो सो रहा होगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर देवदुंदवी प्रमाद को छोड़ने के लिए और भगवान की आराधना करने के लिए प्रेरित कर रही है। छत्रत्रय प्रातिहार में क्या उपमा दी गई है? छत्रत्रय प्रातिहार में बताया है कि जब भगवान आपने अपनी कांति से और ज्ञान से तीनों लोकों को जब प्रकाशित कर दिया तब मानो चंद्रमा का प्रकाश करने का अधिकार छिन गया, और वो उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए तीन छत्र का वेश धारण करके आपकी सेवा में अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए ही आया हो, और साथ साथ में जो छत्र में मोती लगे हैं वो चंद्रमा के ही परिवार सदस्य गण वहाँ पर तारा गण आकर के उस मोती का झालर का रूप लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो गए हैं। भगवान आप में और घड़े में क्या समानता है और क्या असमानता है? जैसे घड़ा जब उल्टा होता है तब उस समय में पानी में उसकी पीठ पर जो कोई लगता है उसको भी वो पार करा देता है, उसी प्रकार से भगवान ने संसार समुद्र को अपनी पीठ दिखा दी है और जो उनके पीछे लगते हैं, जो उनका अनुकरण करते हैं, वो उनको भी संसार समुद्र से पार कर देते हैं। तो ये तो घड़े से समानता है। असमानता में कि यदि घड़ा अग्नि से पकाया होगा तभी वो पार करने में समर्थ हो सकता है, यानी पाक से युक्त हो, लेकिन आप पाक जो विपाक होता है कर्मों का फल का उदय रहता है, आप उससे रहित हैं और वो पाक से सहित है। इस प्रकार से घड़े में और आप में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। विरोधाभास अलंकार इस कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहाँ दिया है? ये विरोधाभास अलंकार अर्थालंकार होता है, वैसे काव्य को देख करके समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी अर्थ की ओर जब दृष्टि जाती है तब ये अर्थालंकार वहाँ पर प्रकट होता है। तो उसमें कहा कि आप विश्व के ईश्वर होकर के दुर्गत दरिद्र कैसे? दूसरे प्रश्न में कि आप अक्षर प्रकृति होकर के अलिपि यानी जिसको लिखा नहीं जा सकता कैसे? और अज्ञानवती अपि
यानी अज्ञान से युक्त होकर के भी संपूर्ण ज्ञान से युक्त कैसे, ये तीन विरोध हैं। लेकिन श्लेष और शब्दों को बीच में तोड़ करके इसके अर्थों से उसका विरोधाभास वहाँ पर दूर हो जाता है। तो विश्व के ईश्वर होकर के दुर्गत जो गत्यार्थक जितनी भी धातुएं होती हैं वो ज्ञानार्थक भी होती हैं, इसलिए दुर्गत का अर्थ वहाँ पर भगवान को मुश्किल से जाना जा सकता है, तो इस प्रकार से वो विरोध दूर हो जाता है। दूसरे में अक्षर प्रकृति, अक्षर प्रकृति का अक्षर का अर्थ जो क्षरण को प्राप्त नहीं होता है ना अविनश्वर, और अलिपि का अर्थ होता है निराकार, तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है, भगवान नश्वर नश्वर नहीं है, अनश्वर हैं, उसके बाद में भी निराकार हैं। फिर अज्ञान वति अपि, इसमें अज्ञान अवति अपि, इस प्रकार से इसकी संधि को बीच में तोड़ करके, यानी पहले अज्ञानवान होते हुए भी आपका ज्ञान पूरे लोक को जानने वाला कैसे ऐसा, और दूसरे में अज्ञान अवति अपि, यानी आप अज्ञानियों की भी रक्षा करने वाले हैं और उसके साथ साथ में आपका ज्ञान पूरे लोकालोक को जानने में समर्थ है, इसलिए ऐसे तीनों विरोधों का वहाँ पर जो है निराकरण हो जाता है। तो ये विरोधाभास अलंकरण, इसमें आभास होता है विरोध का, लेकिन जब उस पर दृष्टि डाली जाती है तो वो दूर हो जाता है। आचार्य कुमुदचंद्र महाराज भी अनुमोदना किस प्रकार से करना सिखा रहे हैं इस काव्य में। जब तीन उपसर्गों का वर्णन पूर्ण हो गया, उसके बाद में एक काव्य में आचार्य महाराज ने वहां पर कहा कि संसार में उन्हीं का जन्म सफल है जो अन्य कार्यों को छोड़ करके और रोमांचित होकर के विधि पूर्वक तीनों कालों में आपके चरण युगल की आराधना करते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने जितने भी सामायिक करने वाले हैं, वृत्तियों से लेकर के साधु, सभी लोगों की वहां पर अनुमोदना कर ली, जो तीनों संध्या काल में अपने अपने कार्यों को छोड़ करके आपकी आराधना करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अच्छे कार्यों की वहां पर जो मन से वचन से और काय से प्रशंसा की जाती है उसको अनुमोदना कहते हैं। तो आचार्य महाराज ने भी अनुमोदना, जिसको कहा जाता है कि जिसमें हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा है, ऐसा अनुमोदना का गुण होता है, उसके माध्यम से व्यक्ति जो है, जैसे जो लोगों की सामर्थ्य नहीं है, शिखर जी जाने की सामर्थ्य नहीं है, 10-10 उपास करने की सामर्थ्य नहीं है, वो भी दूसरों की प्रशंसा करके उसके अनुमोदना के माध्यम से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। जो लोग आहार दान नहीं दे सकते लेकिन वहां पर आहार दान की अनुमोदना करके पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। वो कौन सा काव्य है जिस पर आचार्य श्री विद्यासागर जी साल भर में कई बार अपने प्रवचनों में अनायास ही इसके ऊपर उपदेश देते हैं? तो इस काव्य में 38वां काव्य आकर्ण तोपि मह तोपि निरीक्षितोपि नूनन्न चेतसि मया विधतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रं यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भाव शून्यः। इस काव्य का आचर्षि कई बार जो है अनायासी उपदेश में साल भर में कई बार उनके मुख से निश्रित हो जाता है। इस काव्य के पहले तीन काव्यों में एक काव्य में वर्णन किया कि भगवान हमने आज तक आपके दर्शन नहीं किए, इसीलिए संसार में परिभ्रमण चल रहा है। फिर कहा भगवान हमने आज तक आपके चरणों की पूजन नहीं की। फिर इसके बाद में भगवान आज तक आपके वचनों को भी नहीं सुना। इन तीन काव्यों को कहने के बाद में ये काव्य आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवान हमने आपके वचनों को भी सुना है, आपके चरणों की पूजा भी की है और आपके दर्शन भी किए हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि कभी भी हमने अपने हृदय में आपको भक्ति से धारण नहीं किया, अपने हृदय में आपको कभी भी नहीं पधराया, इसीलिए संसार में परिभ्रमण चल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से हम जो भी कार्य करते हैं उसमें भक्ति पूर्वक वो रूटीन ना बन जाए, इस प्रकार से सारी क्रियाओं को करने के लिए प्रेरणा दी है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जो भाव रहित क्रियाएं होती हैं उसमें कोई फल नहीं होता, तो फिर भाव रहित नहीं करें, करें ही नहीं, जब भाव लगे तभी करें, जब भाव नहीं लगे तो नहीं करें, ऐसा नहीं है। जब छोटा सा बच्चा रहता है 40 दिन के बाद में उसको दर्शन करने के लिए लेकर के आते हैं, उस समय उसके क्या भाव है, लेकिन वो संस्कार भी उसके ऊपर पड़ते हैं, उसको
शरीर को लेकर के आते हैं, फिर बाद में यहाँ पर बोलते हैं बेटा बोलो नमोत्तु, बोलो नमोत्तु, ऐसे करके जो है उसके लिए बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। और वो वहाँ पर क्रिया भी करने लगता है, उसके हाथ से द्रव्य आदि भी छुड़वाने लगते हैं। तो उस प्रकार से काय को लगा करके मन वचन भी धीरे धीरे आ जाते हैं। संसार में जो धर्म कार्य होते हैं उसमें सबसे पहले जिनका मन नहीं लगता उनको काय लगाना पड़ती है, और काय से भी उपस्थित हो गए फिर उसके बाद में वचनों से भी कुछ बोलो और उसके बाद में फिर मन भी वहाँ पर लगने लगता है। लेकिन जो पंचेंद्रियों के विषयों के पाप की जो परंपरा है वो अनादिकाल के संस्कार होने के कारण में सबसे पहले मन उनमें जाता है, मन वहाँ जाएगा फिर वचन से कहेंगे और काय बाद में लगती है। जैसे किसी को कहीं कोई फिल्मी कलाकार को देखने जा रहा हो, थिएटर में कोई फिल्म देखने जा रहा हो, तो सबसे पहले उसके मन में आएगा, फिर बाद में वो कह करके बुकिंग करेगा और बाद में शरीर से वहाँ पर उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से प्रारंभिक भूमिका में भाव से रहित जो क्रियाएं होती हैं वो निरर्थक नहीं, लेकिन कब तक जो है बिना भाव के ही क्रियाएं करते रहोगे या क्रियाएं करते करते भावों से रहित हो जाएं, उस प्रकार से भावों को पुनः प्राप्त करने के लिए, भावों को उत्कर्षता देने के लिए इस काव्य के माध्यम से हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसे भाग्यहीन कहा है, इस काव्य में आचार्य कुमुदचंद्र महाराज एक जगह कह रहे हैं कि सारी अनुकूलताएं पाकर के भी जो भगवान की आराधना से वंचित रहते हैं उन्हें भाग्यहीन कहा है। सब कुछ अनुकूलता मिली है लेकिन उसके बाद में भी कुछ लोग इसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और जहाँ जिन लोगों को तो धर्म भी उपलब्ध नहीं हो पाया था, बर्णी जी जैसे, वो कहते थे कि हमारे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है क्योंकि हमें तो ये मिलना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे पूर्व पुण्य से हमको प्राप्त हो गया। लेकिन जिनको प्राप्त है उसके बाद में भी जो लोग यदि आराधना नहीं करते हैं तो उनके समान भाग्यहीन संसार में कोई नहीं। इसमें तो ऐसे ही होता है कि एक होती है आप कमाई और एक होती है बाप कमाई। तो आप कमाई जब कोई करता है तो उसकी कीमत उसको मालूम रहती है, लेकिन बाप कमाई, बाप दादों का जो धर्म है, इसलिए उसकी ज़्यादा कद्र नहीं रहती है। जब तक व्यक्ति के लिए ऐसा अनुभव नहीं होता कि हमारा धर्म है, तब तक वो उसकी ओर अच्छी तरह से प्रेरित नहीं होता। अब इस काव्य में भक्ति का फल क्या मांगा, इस स्तोत्र के अंत में वहाँ पर कि चिरकाल से आपके चरण कमलों की जो मैंने भक्ति की है और उससे कोई फल संचित हुआ हो तो, क्योंकि कह रहे हैं कि भाव शून्य क्रियाओं से कोई फल नहीं होता, इसलिए आचार्य महाराज भी वहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कुछ एकत्रित संचित हुआ हो चिरकाल से तो हे भगवान इस लोक में और परलोक में आप ही मेरे स्वामी हो गए। कोई लौकिक आकांक्षा नहीं, भगवान की भक्ति का फल भक्त और कोई लौकिक सामग्री नहीं चाहता। भगवान के पास आकर के भगवान से बढ़कर और दूसरी चीज क्या है जिसको भक्त मांगने के लिए तैयार हो। इसलिए जैसे कि कहते हैं जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। भक्ति का फल यदि हम कुछ और कुछ मांग लेते हैं तो अभी हमने भक्ति के स्वरूप को नहीं समझा है। निष्काम भक्ति कैसी होती है इसका स्वरूप यहाँ पर आचार्य महाराज ने इस काव्य के अंत में अपने लिए बताया है। एक बार एक राजा की कई रानियाँ थीं और राजा कहीं पर्यटन पर बाहर जा रहा था, उस सब रानियों से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या चाहिए। तो किसी ने वस्त्र के लिए कहा, किसी ने आभूषण के लिए कहा, किसी ने अस्त्र और किसी ने शस्त्र के लिए कहा। और किसी से पूछा तो उसने कह दिया कि बस आप ही सकुशल लौट आएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब राजा लौट करके आता है जिन्होंने जो मांगा था उनको सबको दे देता है, लेकिन जिसने केवल कि आप ही सकुशल लौटाएं उसके लिए आभूषण भी मिल गए, वस्त्र भी मिल गए, अस्त्र भी मिल गए, शस्त्र भी मिल गए और राजा भी प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करने वाले को वंदे तद्गुण लब्धे, भगवान को प्राप्त करने वाले को बीच के जो रास्ते के मार्ग की जो चीज़ें हैं वो तो अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए भगवान को चाहने वाले को लौकिक सुख की मांग नहीं रखना चाहिए। अब किस उपमा से रचयिता ने अपना नाम दिया है, तो इसमें सबसे आखिरी काव्य जो आर्या छंद में है उसमें जन नयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा,
तो जन के नयन यानी लोगों के नयन कुमुद हैं। कुमुदनी जो रात्रि में खिलने वाला कमल होता है उसको कुमुद बोलते हैं, और चंद्रमा के उदय पर वो कुमुदनी खिलती है, इसलिए भगवान को चंद्रमा की उपमा दी गई है। और सारे संसार के प्राणियों के नयन कुमुद के समान हैं, भगवान को देख करके जैसे कुमुद, जैसे चंद्रमा को देख करके कुमुद खिल जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के दर्शन से सबके नेत्र प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। इस प्रकार से इस उपमा के माध्यम से रचयिता ने अपना नाम भी दिया है। तो ये कल्याण मंदिर स्तोत्र बड़ा ही माने मनमोहक स्तोत्र है, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। इसको सभी लोग अपने जीवन में पारायण करेंगे। इस भावना के साथ में कुछ प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों के सामने इसको रखा है। इसकी एक महिमा भी हमने लिखी थी, आज उस महिमा का गान हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप सभी लोग इसके आनंद को उठाएं। पाठ करो स्तोत्र नित्य सब, ये कल्याण का द्वार है। कुमुद चंद्राचार्य की रचना देती हर्ष अपार। भाव
की हर्ष अपार है। पाठ करो स्तोत्र नित्य सब, ये कल्याण का द्वार है। कुमुद चंद्र आचार्य की रचना देती हर्ष अपार है, देती हर्ष अपार है। अब सभी लोग ध्यान के लिए बैठ जाएं। मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं पार्श कुमार अपने जन्म दिवस का उत्सव मना रहे। सारे सामंत उनके चरणों में भेंट ले लेकर के आ रहे हैं। अयोध्या के राजा ने भी भेंट भेजी है और दूत से पूछा जाता है सब अयोध्या में कुशल तो है। उस समय में दूत कहता है जहां आदिनाथ भगवान ने जन्म लिया हो, जहां 5-5 तीर्थंकरों के जन्म हुए हो, वहां पर क्या कुशल नहीं होगी। ये वाक्य जब पार्श कुमार के चरणों में कानों में पड़ते हैं तब उस समय में वो सोचते हैं कि उन्होंने तो अपने गंतव्य को प्राप्त कर लिया, मैं किन छोटे छोटे उत्सवों में फंसा हुआ। और मन में वैराग्य की लहरें उठने लगी, 12 भावनाओं का चिंतन, और सब कुछ छोड़ करके पार्श कुमार दीक्षित हो गए। 4 महीने होने को थे तपस्या करते करते, 7 दिन का उपवास लेकर के ध्यानस्थ हुए और कमट का वो जीव जो भव भव से उनका दुश्मन बनकर के उपसर कर रहा था, इस समय में शंबर नाम का ज्योतिष देव ऊपर से निकलता है, उसका विमान रुक जाता है और देख करके उसको बैर डंक मारता है, वो उपसर्ग करने लगता है। उनके ऊपर ऐसी धूल को उड़ाया कि पूरे आकाश को घेर लिया, लेकिन कुमुद चंद्राचार्य महाराज कह रहे हैं कि छाया भी उनकी वहां पर नहीं प्रभावित हुई, उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसमें मूसलाधार पानी बरसाया जिसमें बड़े बड़े बादलों की गर्जना, बिजली गिर रही है, उससे भी उनके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसके बाद में भयानक प्रेतों का समूह जिनके मुख से अग्नि निकल रही है, गले में रुंड की माल पहने हुए हैं, ऐसे भयानक प्रेतों के समूह से भयानक आवाजों के माध्यम से उनको डराने का प्रयास किया, लेकिन वो वहां पर कोई भी उनका प्रभाव उनके मन के ऊपर नहीं पड़ा। और बाद में जिनके ऊपर उपकार किया हुआ था, ऐसे धर्मेंद्र उसकी देवी आकर के उनके ऊपर हुए उपसर्ग को निवारण करने का प्रयास करते हैं, शुक्ल ध्यान की अनुकूलता बनती है और मुनिराज पार्श अब छपक श्रेणी पर आरोहण करके और केवल ज्ञान से युक्त 5,000 धनुष ऊपर उनका शरीर स्थापित हो जाता है और कुबेर आकर के उनका सभा योजन का समोशरण निर्माण कर देता है। वो संबर देव भी वहां पर उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाता है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को स्मरण करते हुए उनकी ऊर्जा को, उनके जितने भी संसार में बिंब हैं, उन सबकी आशीष को प्राप्त करने के लिए एक बार ओम का नाद करेंगे।
इस मंत्र के माध्यम से वो ऊर्जा सिर के ऊपर आकर के बरसने लगी है। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तक में प्रवेश करके मन को पूरी तरह से शांत कर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़ों, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ भगवान की ऊर्जा का, आशीष का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को मिले, सारे संसार में जितने भी दुखी हैं, रोगी हैं, शोकी हैं, सब अपने अपने दुखों से, रोगों से, शोकों से मुक्त हों, ऐसी भावना से पार्श्वनाथ भगवान की छत्र छाया सबको प्राप्त हो। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण पार्श्वनाथ भगवान के बिंब को निहारते हुए, कुछ विशिष्ट बिंबों को भी, जैसे गोपाचल पर्वत के ऊपर पार्श्वनाथ भगवान 13 पंथी कोठी में विराजमान, बड़े बाबा के दोनों ओर खड़े हुए पार्श्वनाथ भगवान, बाबा नगर कर्नाटक के हरिद्वर्ण के पार्श्वनाथ भगवान आदि विशिष्ट बिंबों को निहारते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वशन सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार। आती जाती श्वास नमोकार हम जपने का प्रयास करें। आती ही श्वास में सहज रूप से लेते हुए णमो अरियंताणम अंदर, णमो सिद्धाणम में बाहर, णमो आयलणम में अंदर, णमो झैणम में बाहर, णमो लोहे में अंदर और सब सवणम में बाहर, ऐसे 3 बार श्वास में एक बार, 27 बार श्वास में इत्मीनान के साथ में काया के ममत्व को छोड़ करके काय सर्व जपने का प्रयास करें।